हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज के सेशन में एक बार फिर से पिछले दिन शुरू की गई श्रृंखला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, ये एपिसोड है छठा। उम्मीद तो यह है कि पिछले पांचों एपिसोड को आपने ढंग से पढ़ा होगा और वो सारे शब्द जिसकी संख्या 100 है, कम से कम उसमें 75% आपके दिमाग में होगा। देखिए, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि अभी एक दो एपिसोड ही हुआ है, बाद में करेंगे, रहने देते हैं। तो जो चीजें बाद के लिए टाल दी जाती है वो जल्दी लौटकर वापस आता नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब जो मिले उस समय में कर लेना चाहिए। आज के श्रृंखला में फिर से 5 नए एमसीक्यूज, 30 सेकेंड की समय सीमा और 20 नए वर्ड्स। तो आप नोटबुक और पेन तलाशिए, फटाफट तैयार होकर के बैठिए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा है, सूझबूझ और पुरानी जानकारी को यूज करते हुए आप अगर उसे सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्व ना हो तो ना ही परेशान होना है, ना ही चिंता करनी है। मैं यहां उपस्थित ही हुआ हूं उसके निदान के लिए और नए शब्द सिखाने के लिए। जो लोग नए हैं चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग पहले, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैंने डेटा देखा है कि वीडियो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड होती है वो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय, वही 30 सेकेंड। एक बार फिर से आप सबका इस सेशन में स्वागत है। और मैंने पहले कल भी कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि शांत चित्त करके बैठिए, क्योंकि शांति से जो सुनेंगे वो लंबे समय तक आपके जहन में रह जाएगा। चलिए रखते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है। कह रहा है डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना। वैसी बीमारी जो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। ठीक है, क्या कह रहा है? अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसमें पहला ऑप्शन है कंटेजियस। ठीक है, कंटेजियस का मतलब क्या होता है? डिजीज स्प्रेड्स बाय क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल, यानी छुआछूत से फैलने वाली बीमारी, छुआछूत से लगने वाला रोग, कंटेजियस कहते हैं। इन्फेक्शियस, इसका क्या मतलब होता है? अ डिजीज कैन बी पास्ड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली थ्रू एयर एंड वाटर, है ना। यहां पर छुआछूत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर भी संक्रमण एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। आसानी से माध्यम क्या है? या तो हवा या फिर पानी। इसको भी कहते हैं फैल जाने वाला रोग या संक्रामक रोग। उसके बाद है एपिडेमिक, अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड एट द सेम टाइम, महामारी कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक ही समय पर उससे प्रभावित हो जाए, ऐसा कोई संक्रामक रोग हो, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक, है ना, महामारी। अगला क्या है? एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? कि डिजीज और आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट इज टिपिकली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन, जो कि मतलब किसी एक स्थानीय, किसी एक क्षेत्र में वो पाया जाता है, वहां फैलता है। स्थानिक महामारी कह सकते हैं इसको, एंडेमिक कहते हैं स्थानिक के लिए। क्या कह रहा है? क्या डिजीज और आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट इज टिपिकली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन, यानी स्थानिक, किसी एक विशेष एरिया में फैलने वाला जो होता है वो होता है एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? जो बहुत अधिक संख्या में लोग उससे संक्रमित हो जाए उसको एपिडेमिक कहते हैं। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। माध्यम क्या है? हवा या पानी। और कंटेजियस का मतलब होता है जो छुआछूत से फैलता है, उसको कहते हैं। तो मेरा जो सही आंसर है वो क्या है? इसका आंसर नंबर ए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया होगा कि ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैले उसको कहते हैं कंटेजियस। क्या कहते हैं? कंटेजियस। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस। एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा किन किन लोगों ने इसका जवाब दिया है सही सही, जरूर लिखिए। आप सब बहुत कंजूसी करते हैं। मैं देखता हूं जब वीडियो के स्टैटिस्टिक्स, तो मैं सदमे में आ जाता हूं कि भाई क्या करना चाहते हो। नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं, वीडियो की लंबाई देख करके वीडियो पे रुक जाते हो। भाई सवाल इतना ही लंबा, एग्जामिनेशन एक घंटे की, दो घंटे की, दो घंटे तीस मिनट की, तीन घंटे की होती है, और पेशेंस रखना पड़ता है बॉस, पढ़ना पड़ता है। सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है। पहला है हिस्ट्री, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स दैट इज कनेक्टेड विद समबडी और समथिंग, है ना, किसी चीज से जुड़ी हुई पिछली कहानी को हिस्ट्री कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, मानव शास्त्र कहते हैं या मानव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है एथनोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, है ना। ह्यूमन रेसेस का क्या है? साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन, उसको कहते हैं एथनोलॉजी, है ना, ह्यूमन रेसेस का। और क्या है? आर्कियोलॉजी, ये क्या है? द स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड। अब यह कह रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन की जानकारी कहां से मिलती है, स्पष्ट दिख रहा है कि यह है आर्कियोलॉजी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? डी। देखिए हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, यहां पर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, एक एथनोलॉजी है। एथनोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मतलब है मानव जाति विज्ञान। अब देखिए इस दोनों में बच्चे अंतर ढूंढेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो यह हो सकता है कि पूरा उसके अंदर ही आ जाएगा छोटा, ये सिर्फ जाति के लिए, ये पूरा मानव शास्त्र है, उसमें मानव की सारी चीजें, जाति भी आएंगी और सारी चीजें भी आएंगी। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है आपका? आर्कियोलॉजी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसमें लगाया होगा एक शब्द पहले से पढ़ा हुआ है, एनेक्डोट। आप सब मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या ये पढ़े हैं, कौन से एपिसोड में पढ़े हैं, ये बताइएगा। मीनिंग तो हमें अभी बता देंगे, कौन से एपिसोड में इसकी चर्चा हुई है ये मुझे लिख करके बताइएगा। अब देखिए पहला है क्या कह रहा है कि एन एनिमल स्टोरी विद ए मॉरल, है ना, जहां पर कुछ नीति की बातें कुछ सिखाई गई हो, कुछ शिक्षा दी गई हो, और क्या है वो कहानी कैसी हो, जानवरों पर बेस्ड हो। तो पहला है फेबल। फेबल में क्या है? शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, देख रहे हो लिखा हुआ है द टीचेस अ लेसन, स्पेशली क्या है मोरल, एंड दैट ऑफन हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स। अब देखिए मेरा स्पष्ट पहले में ही दिख रहा है कि नीति कथा कहते हैं, कुछ जो नैतिक बातें हैं उस कहानी के माध्यम से रखा जाए उसको कहते हैं फेबल। लेकिन यहां पर फेबल में क्या है कि याद रखिएगा कि एनिमल वहां पे होते हैं मेन कैरेक्टर में, है ना, एनिमल क्या होते हैं मेन कैरेक्टर में होते हैं, उसको कहते हैं फेबल। दूसरा क्या है? टेल, अ स्टोरी अबाउट इवेंट्स दैट आर नॉट रियल, मतलब है झूठ, अफवाह या कहानी, टेल कहते हैं इसको। आगे क्या है? एनेक्डोट, ये आप जानते हैं लघु कथा, उपाख्यान, मैंने बताया था कि शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, है ना, लघु कथा कहानी कहते हैं, किस्सा कहते हैं, उपाख्यान कहते हैं, एनेक्डोट की चर्चा मैंने पहले की है। और लास्ट वाला है पैराबल, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन। अब देखिए अब आप यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर यहां भी तो कह रहा है कि लेसन सिखाता है, लेकिन मेरे सवाल में क्या कह रहा है कि जानवरों पर बेस्ड है वो स्टोरी, तो वो क्या है? यहां है एनिमल्स मेन कैरेक्टर, सिर्फ नीति की बातें कर दे तो वो पैराबल भी हो सकता है और फेबल भी हो सकता है। लेकिन यहां मेरे सवाल में कह रहा है कि एन एनिमल स्टोरी, जो कि जानवर की कहानी है और कुछ नैतिक शिक्षा देता है, नीति की बातें करता है, उसको हम कहते हैं फेबल। और क्या है? टेल, एनेक्डोट, पैराबल। तो यहां सबसे जो सही आंसर है वो क्या है? फेबल मेरा। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन। क्या कह रहा है? अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन, मतलब ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए। अब देखिए यहां पर क्या है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो कमजोर होता है, जो संवेदनशील होता है। क्या कह रहा है? एबल टू बी इजली फिजिकली और मेंटली हर्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अटैक्ड। यहां पर टूटने की बात ही नहीं है। क्या कह रहा है? फिजिकली और मेंटली हम जिसको क्या करें, इन्फ्लुएंस कर ले, मैनिपुलेट कर दे आसानी से, उसको हम कहते हैं वल्नरेबल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि असुरक्षित, अति संवेदनशील या कमजोर कहेंगे वल्नरेबल। अगला क्या है? फ्लेक्सिबल, जानते हैं, एबल टू बेंड और मूव इजली विदाउट ब्रेकिंग। मतलब फ्लेक्सिबल वो होता है जो टूटता नहीं है आसानी से, लचक जाए, है ना, लचीला कह सकते हैं, नरम कह सकते हैं। अब देखिए ब्रिटल किसको कहते हैं? ब्रिटल का मतलब होता हैविंग हार्डनेस एंड रिजिडिटी बट लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब वो टिकेगा नहीं, लचकदार नहीं होता है, वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रेकिंग रेडिली विद अ कंपैरेटिवली स्मूथ फ्रैक्चर एज ग्लास। शीशा को देखिए, हार्ड है, रिजिड है, लेकिन अगर पटक दे, कटाक से टूट गया, तो वो कहलाएगा ब्रिटल। और मेरा सवाल क्या कह रहा है? अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन। तो दिख रहा है कि मेरा ये आंसर है यहां पर, लेकिन चूंकि अगला सवाल है, अब क्या कह रहा है? शीशे की तरह टूटने वाला, भुरभुरा नहीं समझते आप, है ना, जो आसानी से टूट जाए। बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में ऐसा है, घर के ऊपर जो वो खपड़ा लगाते हैं मिट्टी का, या मिट्टी की सुराही कह लीजिए, वो भी हार्ड है, रिजिड है, लेकिन अगर चोट लगे तो पटक से टूट जाएगा, तो ब्रिटल उसको कहते हैं। अब देखिए डेलिकेट, बहुत सारे बच्चे भी कहेंगे, सर यहां पर भी तो लिखा आपने इजिली ब्रोकन, डैमेज, फिजिकली वीक, फ्रेजल, फ्रेल। ये सुकुमार और कमजोर जैसा सेंस देता है ना, संवेदनशील, जिसको हम लिहाज से रखना पड़े, जैसे आप पनीर के क्यूब्स को कह सकते हैं, वो डेलिकेट होता है, ब्रिटल नहीं हो सकता है। आसानी से टूटना, भुरभुरा होना दो अलग बात है। शीशे का ऐसे छन से टूट जाना जो होता है वो ब्रिटल कहलाता है। तो यहां जो सही आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है आपका सी। समझ में आया? वल्नरेबल, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल एंड डेलिकेट। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका भी समय समाप्त हो गया। बॉडी ऑफ सिंगर्स, है ना, सिंगर्स के ग्रुप के लिए कह रहा है बॉडी ऑफ सिंगर्स। पहला है कॉयर। अब देखिए कॉयर किसको कहते हैं? कि फाइब्रस मटेरियल फाउंड बिटवीन द हार्ड इंटरनल सेल एंड द आउटर कोट ऑफ कोकोनट। नारियल के बीच में वो रेसेदार जो होता है उसको कहते हैं कॉयर। क्या? नारियल की जटा। जो छीलते हैं तो हार्ड सेल और बीच में जो पाया जाता है, वो जिसकी रस्सी बनाई जाती है, नारियल की रस्सी, उसको कहते हैं कॉयर। अगला देखिए कोरम। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु मस्ट बी एट मीटिंग बिफोर इट कैन बी बिगिन और डिसीजन कैन बी मेड। अब देखिए कोरम का क्या मतलब है? एक मान लीजिए कि कोई कमिटी है, 250 सदस्य हैं, और उसमें कुछ एक मिनिमम संख्या रखी जाती है कि इतने लोग उपस्थित होंगे ही होंगे, तभी यह सभा चलेगी, तभी कोई डिसीजन होगा। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा में जो कोरम है उसकी संख्या है 1/10, यानी लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसका जो दसवां हिस्सा है वो कोरम होता है। मतलब इसको कहते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति कहने का मतलब है, गणपूर्ति का मतलब है कि वैसे ही संख्या जिसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग को चलाने के लिए या किसी भी प्रकार के फैसले को लेने के लिए। क्या कह रहा है? कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु मस्ट बी एट मीटिंग बिफोर इट कैन बिगिन और डिसीजन कैन बी मेड, इसको कहते हैं कोरम। ठीक है, मतलब है गणपूर्ति। अगला देखिए क्वायर। क्वायर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 24 और समटाइम्स 25 सीट्स ऑफ पेपर, जिस्ता समझते हो, जिस्ता वाला पेपर आता है, 24 होते थे, वो एक रिम का 20वां हिस्सा होता है, 20th ऑफ अ रिम, है ना। मतलब एक दस्ता या एक जिस्ता कागज जो कहते हैं, वो पहले मिलता था पुराने जमाने में फोल्ड करके, 24 पेजेज उसमें होते थे दोनों तरफ, उसको कहते हैं क्वायर। अब यहां पर है क्वायर, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन चर्चेज, स्कूल्स एटसेट्रा। क्या है? गायक दल। और मेरा यहां क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ सिंगर्स।
तो यहां दिख रहा है कि ये मेरा सही आंसर है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए सेशन को मैं तेजी से इसलिए रख रहा हूं आपके सामने क्योंकि आप सबकी तरफ से एक मन में शिकायत होता है कि सर इतना लंबा वीडियो कैसे देखेंगे, पता नहीं आप लोग को पेशेंस परसिवियरेंस इसकी वैल्यू समझ में आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता। और वैसे आज के सेशन में शब्द भी बहुत आसान था, क्वायर क्वॉरम क्वायर एंड क्वायर, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है दोनों में। तो ये जो मेरा सही आंसर है वो है डी। उम्मीद तो ये है कि आज के सेशन को, जिसको मैंने बहुत तेजी से समाप्त कर दिया है, क्लास की टाइम हो रही है और बच्चे धीरे धीरे यहां पर उपस्थित हो रहे हैं तो परेशानी आ रही है, लेकिन हाँ सेशन पूरा हो चुका है। उम्मीद तो यह है कि आप सब ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, अधिकांश आपसे बना भी होगा, और नहीं बना तो एक एक वर्ड को आपने लिखा होगा, हिंदी स्पेलिंग दोनों। अब आपका एक काम यहां बाकी है, मेरा तो ड्यूटी खत्म होने वाला है लेकिन आपकी शुरू होगी कि जो पिछले 5 एपिसोड्स हैं आप उसको भी यहां पर लगे हाथों रिविजन कीजिए, फिर बंद करके कहीं जाइएगा, ठीक है। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नए नए सब सीखने के लिए मिले होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ में अगर आप देख रहे हैं नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहां पे अभी जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सेशन ला रहे हैं, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि यूजलेस है, तो जरूरी है कि आप इसको देखिए। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेंस से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।